हेलो स्टूडेंट्स हम आज से एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हमारे पास है कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर साइंस के अंदर ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें बेसिकली हम देखते हैं कंप्यूटर के जो इंटरनल कंपोनेंट्स हैं वो आपस में किस तरह से कनेक्टेड होते हैं और कंप्यूटर की जो इंटरनल वर्किंग है वो किस तरह से परफॉर्म की जाती है तो ये तमाम कॉन्सेप्ट्स इस सब्जेक्ट के अंदर कवर किए जाते हैं तो अगर आप इस इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले तमाम लैक्चर्स टाइमली आप तक पहुंच सकें तो लेक्चर नंबर वन के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंस क्या है क्योंकि तो ये सब्जेक्ट को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों टर्म्स के अंदर क्या डिफरेंस है और ये आपस में रिलेट किस तरह से करती हैं तो स्टार्ट करते हैं अगर हम बात करें कंप्यूटर आर्किटेक्चर की तो इसको डिफ़ाइन कुछ यूँ किया जाता है कंप्यूटर <laughs> आर्किटेक्चर डिस्क्राइब्स वाट फंक्शनैलिटीज़ आवर कंप्यूटर कैन प्रोवाइड कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हम बताते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है जो हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं वो कौन कौन सी फंक्शनलिटीज़ प्रोवाइड करता है वाट इनकी वट का आंसर प्रोवाइड करता है आपका आर्किटेक्चर जबकि दूसरी तरफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को हम कुछ इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन explains हाउ दीज फंक्शनलिटीज़ defined by द आर्किटेक्चर आर एक्चुअली implemented एंड परफॉर्म्ड within the computer. कंप्यूटर कि वो तमाम तो फंक्शनैलिटीज़ जो हम इस कंप्यूटर आर्किटेक्चर में बयान करते हैं उनको कंप्यूटर के अंदर एक्चुअली इंप्लीमेंट किस तरह से किया जाता है हाओ तो हाओ का जो आंसर है वो आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करता है लाइक कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहता है कि हमारा कंप्यूटर डाटा ट्रांसफ़र की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेगा डाटा प्रोसेसिंग की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेगा और कंट्रोल ऑपरेशन प्रोवाइड करेगा अब ये जो तीनों फंक्शनैलिटीज हैं ये इम्प्लीमेंट किस तरह से होंगी ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हमें बताता है तो आई होप आपको डिफरेंस समझ आ रहा होगा एक एग्जांपल की मदद से मजीद इसको समझते हैं आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने तमाम वीडियोज़ आप तक टाइमली पहुँच सकें फोर्थ हमारा आर्किटेक्चर कहता है कि हमारा जो डिज़ाइन सिस्टम है वो इनपुट और आउटपुट का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में क्या एक्सप्लेन किया गया होगा लाइक सिस्टम यूनिट के अंदर वो कहता है कि भी होगा रैम होगी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होंगी इसके अलावा आपके पास इनपुट डिवाइस लाइक कीबोर्ड माउस या यू आपके पास होगी और साथ ही इन डिवाइस को हैंडल करने के लिए आपके पास इनपुट आउटपुट कंट्रोलर होगा ये चीज़ें कंप्यूटर आर्किटेक्चर में बताई जाती हैं लेकिन अगर हम पूछें कि ये जो कीबोर्ड की इनपुट है ये सी तक क्या ये डायरेक्ट पहुँचेगी या फिर कीबोर्ड की इनपुट पहले इस कंट्रोलर के पास जाएगी फिर यहाँ से सी के पास जाएगी या फिर ऐसा होगा कि इनपुट आउटपुट कंट्रोलर ये इनपुट सेकेंडरी स्टोरेज को फॉरवर्ड कर देगा इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन कंप्यूटर आर्किटेक्चर में नहीं होती बल्कि ये चीज़ हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में बयान करते हैं कि एक्चुअली में ये जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हैं ये एंड के ऊपर परफॉर्म किस तरह से होंगे लाइक like, ये सेम स्ट्रक्चर है हम ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए बताते हैं कि की से इनपुट जाएगी इनपुट आउटपुट कंट्रोलर के पास यहाँ से रैम के पास और फिर रैम से सी के पास तो ये चीज़ बेसिकली कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन बताती है कि एक्चुअल वर्किंग किस तरह से होगी और ये डिपेंड करता है कि आपके कम्प्यूटर के ऑब्जेक्टिव क्या हैं उन ऑबजेक्टिवस के अकॉर्डिंग आपके जो कंप्यूटर की ऑर्गेनाइजेशन है वो बनाई जाती है तो इन्हीं पॉइंट्स की बेस पे हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर को कहते हैं कि ये आपके सिस्टम का हाई लेवल डिज़ाइन होता है जिस पे आप अपने कम्प्यूटर की जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं या फंक्शनैलिटीज़ हैं वो बयान करते हैं तो सबसे पहले आपका ये कम्प्यूटर आर्किटेक्चर का स्टेप परफॉर्म किया जाता है और इस हाई लेवल डिज़ाइन के बाद हम लो लेवल डिज़ाइन तैयार करते हैं जिसे हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कि कंप्यूटर के जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं वो आपस में किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे किस तरह से हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे वो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में बताया गया होता है यानी कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन सेकेंड स्टेप होता है तो ये बेसिकली एक बेसिक सा डिफ्रेंस था कंप्यूटर आर्किटेक्चर और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो क्योंकि कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन दोनों टर्म्स आपस में रिलेट करती हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं इसलिए इन दोनों कॉन्सेप्ट को एक ही सब्जेक्ट के अंदर डिस्कस किया जाता है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर और हार्वर्ड आर्किटेक्चर के बारे में ये दोनों ही आर्किटेक्चर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं इसीलिए हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इन दोनों आर्किटेक्चर्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आज भी क्यों वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर्स हमारे कम्यूटर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा आज कल इतना ही मिलते नेक्स्ट लेक्चर के अंदर थैंक यू वेरी मच